यमुनानगर में रेलवे स्टेशन रोड महावीर चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसे में एक्टिवा सवार एक युवक की मौत हो गई। एक्टिवा सवार रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहा था। एक्टिवा सवार युवक की रफ्तार काफी तेज थी। एक्टिवा सवार युवक रॉन्ग साइड से इलेक्ट्रिक बस को क्रॉस करने लगा कि अचानक से एक्टिवा साइकिल सवार से जा टकराई, जिसके बाद साइकिल सवार और एक्टिवा पर सवार युवक दोनों विपरीत दिशा में गिर गए। एक्टिवा सवार युवक साथ चल रही बस के पिछले हिस्से के नीचे आ गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि दुकानदारों के भी होश उड़ गए। दुकानदारों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पर दी। यमुनानगर सिटी SHO अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। एक्टिवा सवार युवक की पहचान नहीं हो पाई है और ये सारी घटना वहां लगे CCTV में कैद हुई है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक्टिवा पर सवार युवक की स्पीड बहुत तेज थी, जिस कारण वह अपने आप को संतुलित नहीं कर पाया और साथ चल रही बस के पिछले हिस्से के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। वहीं बस ड्राइवर प्रवीण का कहना है कि वह लगातार पिछले 3 महीने से इसी रोड पर चल रहे हैं। बस मुश्किल से 15 से 20 की स्पीड पर चल रही थी, तो वहीं अचानक तेज रफ्तार से एक्टिवा सवार युवक की साइकिल से टक्कर होने के कारण एक्टिवा सवार युवक बस के नीचे आ गया। तुरंत उन्होंने उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को और एम्बुलेंस को दी। आपको बता दें कि मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। किसकी गलती किसकी है, क्या कैसे हादसा हुआ है? बस ये पिछले टायर के नीचे आया जी, साइकिल में टकराई स्कूटी और बस थी मुश्किल से 15 की स्पीड पे। अब यहाँ भीड़ इतनी हुआ जी, बस को स्पीड चला नहीं सकते, तो ये टकरा के सीधा एकदम पिछले टायर के नीचे आया जी। अब एकदम तो कोई भी व्हीकल आए एकदम तो रुकेगा नहीं। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार है जी, मैं ड्राइवर हूँ। मैं तो सर पहले किलोमीटर स्कीम की बस चला रहा था, अभी 2-3 महीने से यहाँ चले रहा था, यहाँ पे ट्रेनिंग देगा फिर ले जाता। तो तुरंत इसकी सूचना किसको दी आपने? मैंने तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को दी जी अपने, और 112 बुलाई जी, एम्बुलेंस बुलाई जी। क्या हादसा हुआ, एकदम से कैसे जानकारी मिली आपको? ये बस और एक्टिवा का एक्सीडेंट हुआ जी, और एक्टिवा वाला बहुत तेजी में आ रहा था, बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, और बस थी जो 10 से 15 की स्पीड पर थी और आराम से जा रही थी, ट्रैफिक था और एक्टिवा के लेफ्ट साइड पे पता नहीं थ्री व्हीलर खड़ा था या कोई चीज खड़ी थी, और उसको उसने साइड में से निकलने के लिए कट मारा और उसकी एक्टिवा जाके बस में लगी है, और बस में लग के वो उसका बैलेंस कंट्रोल हो गया और वो बस के नीचे आ गया। एम्बुलेंस को कॉल किया और पुलिस को कॉल किया, और एम्बुलेंस वाले उसको सिविल अस्पताल ले गए। बंदे का पता नहीं लगा कौन है।